जिले के ठिकरी थाना अंतर्गत ग्राम करामतपुरा के जंगलों में कुछ लोगों द्वारा जुआ खेले जाने की सूचना पर जिला एसपी दीपक कुमार शुक्ला द्वारा स्पेशल टीम गठित की। टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर दबिश देकर 8 जुआरियों को पकड़कर उनसे 1,74,000 रुपए जब्त कर बड़ी कार्रवाई करते हुए ठिकरी टीआई और बीट प्रभारी को शोकाज जारी किया। दरअसल जिला एसपी दीपक कुमार शुक्ला द्वारा सभी थाना प्रभारियों को जिले में अवैध अपराधी और गतिविधियों पर कानून का शिकंजा कसने के निर्देश दिए गए। वहीं ठिकरी थाना क्षेत्र के ग्राम करामतपुरा के जंगलों में कुछ लोगों द्वारा जुआ खेले जाने की सूचना एसपी दीपक कुमार शुक्ला को मिलने के बाद एसपी द्वारा राजपुर एसडीओपी रोहित अलावा और राजपुर टीआई यशवंत बड़ोले के साथ स्पेशल टीम गठित कर जंगल में चल रहे जुए पर दबिश देकर 8 लोगों को जुआ खेलते पकड़ उनसे 1,74,700 रुपए एवं 6 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल और ताश के पत्ते जब्त कर बड़ी कार्रवाई की। वहीं ठिकरी थाना प्रभारी अजय राजौरिया और बीट प्रभारी संजय गुर्जर और आरक्षकों को नोटिस जारी किया। देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा यह स्पष्ट संदेश दिया गया है, पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि जिले में अवैध कार्रवाई करने वाले, अवैध गतिविधि करने वालों के ऊपर नकेल कसी जाएगी। यह एकदम जीरो टॉलरेंस की तरह इसको खत्म करने के ऊपर हम लोग जोर दे रहे हैं। इसी तारतम्य में ठिकरी थाना अंतर्गत करामतपुरा गाँव है जहाँ से जुआ खेलने की खबरें आ रही थी, जिसे रोकने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम का नेतृत्व एसडीओपी राजपुर श्री रोहित अलावा सर ने किया था। इसमें राजपुर टीआई और थाने की टीम थी और इन्होंने करामतपुरा में जाकर दबिश दी। वहां से 8 आरोपी, 1,74,000 रुपये, 6 मोबाइल और 6 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल जब्त किए गए हैं। सर, इतनी बड़ी कार्रवाई विशेष टीम ने की है, वही टीआई की भूमिका संदिग्ध नज़र आ रही है। इस बारे में टीआई ठिकरी और जो बीट प्रभारी हैं उन्हें यहां से स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जिसका जवाब आने पर तदनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।